आगरा कॉलेज में पिछले महीने 25 मई से शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। शिक्षकों का आक्रोश इतना बढ़ गया है कि शिक्षकों ने आगरा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनुराग शुक्ला की गुमशुदगी के पोस्टर कॉलेज परिसर में लगा दिए हैं। शिक्षकों का कहना है जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आगरा कॉलेज में शिक्षकों का जो संग्राम थम नहीं रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 25 मई से लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर हाँ टाइम में उन्होंने बेशक कटौती की, क्योंकि यहाँ पर नोडल सेंटर बनाया है, परीक्षाएं यहाँ पर लगातार की जा रही हैं, परीक्षाएं बाधित ना हो वो सब शिक्षक सारी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। यहाँ पर अभी हमें एक नया मामला नज़र आया है कि यहाँ पर प्रधानाचार्य के गुमशुदगी के जो पोस्टर लगा दिए हैं, ये सर पोस्टर क्या है, ये गुमशुदगी जो पोस्टर लगाए गए क्या मामला है सर? गुमशुदगी का पोस्टर नहीं है, प्राचार्य जी अपने अन्य दायित्वों में लगे हुए हैं, क्योंकि महाविद्यालय का ही शिक्षक परिवार यहाँ बैठा हुआ है, जो वे सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि परीक्षा कार्य में लगातार सहयोग भी कर रहे हैं। तो महाविद्यालय का अगर एक अंग जहाँ प्राचार्य जी बैठते थे वहाँ पर अगर धरना प्रदर्शन या कोई भी मांग है शिक्षकों की, जायज मांग है, तो उसमें प्राचार्य को आकर के बातचीत करनी चाहिए। 25 मई से आप लोग धरना दे रहे हैं, पहले दिन जिस दिन धरना दिया उस दिन वो यहाँ पर उपस्थित थे, अगले दिन भी कुछ टाइम के लिए रहे, अगले दिन नहीं, फिर उसके बाद कभी यहाँ दिखे ही नहीं कभी? नहीं, पहले दिन की वार्ता के बाद जब हम लोगों ने उन जो मांगे रखी थी उनके प्रति उनका नकारात्मक या बल्कि कहिए आक्रामक रवैया था, तो उसके बाद से शिक्षक समुदाय यहाँ पर धरने पर बैठा, उसके बाद से वो यहाँ आए ही नहीं हैं, लगातार अनुपस्थित हैं। इसमें सबसे हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि जो शिक्षकों की जो मांगे वो जायज़ नहीं है, गलत मांगे, उनको इतनी मोटी मोटी सैलरी दी जाती है फिर भी वो इतनी छुट्टियां करते हैं। देखिए, मोटी सैलरी, पहली बात तो ये है कि प्रत्येक शिक्षक अपनी अर्हता के हिसाब से शासन द्वारा निर्धारित सैलरी दी जाती है, ये कोई किसी का व्यक्तिगत सैलरी किसी की जेब से नहीं दी जाती है, पहली बात तो ये है। बहुत से प्रशासन के जितने भी उत्तर प्रदेश की ये शासकीय व्यवस्था है और लोकतंत्र में राष्ट्रपति से लेकर के तमाम पदाधिकारियों को उसी शासन की व्यवस्था के अनुरूप जो है वेतन दिया जाता है, इसलिए इस तरह के व्यक्तिगत इस पूरे सैलरी को, सैलरी प्राप्त होना या किसी की अर्हता के अनुसार उसको वेतनमान दिया जाना, उसको क्रिमिनलाइज किया जाना या उसको डेमोनाइज किया जाना, उसको एक नकारात्मक रूप में पेश किया जाना, ये सर्वथा प्राचार्य जैसे पद के लिए अनुचित है। और इसमें मेरा मानना ये है कि यह गलत है कि हम लोग ड्यूटीज़ नहीं कर रहे हैं, सभी शिक्षक ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोगों का सिर्फ आग्रह ये था कि जो ड्यूटी करने, ड्यूटी लगाने की जो व्यवस्था निर्मित की गई है उसमें जो विश्वविद्यालय के नियमावली के अनुसार व्यवस्था नहीं की गई है उसको लेकर के आपत्ति है। ड्यूटी लगाने को लेकर के हम ये इसमें ज़्यादातर शिक्षक ऐसे हैं जो वरिष्ठ शिक्षक हैं और वे SS से लेकर, AS से लेकर, नोडल सेंटर प्रभारी से लेकर के तमाम मोमेंट्स पर विश्वविद्यालय के और महाविद्यालय के कार्यों को लगातार करते रहे हैं, इसलिए यह तो एकदम निराधार है कि ड्यूटी नहीं करते हैं। मैं स्वयं जो है वो पहले AS भी यहाँ रह चुका हूँ और लगातार मैं ड्यूटीज़ कर रहा हूँ, हर ड्यूटी कर रहे हैं। गौरव जी, बात करें, अब तो लगातार मतलब 25 तारीख से अब लगातार धरना कर रहे हैं, अब आगे की रणनीति क्या है? क्या और जो कॉलेजों के ऑटो ने समर्थन दिया है आप लोगों को, पर क्या और भी कॉलेजों को इसमें सहयोग करने का मन बना रहे हैं आप लोग के और शिक्षक हैं यहाँ पर? आज है ना ओटा की बैठक बुलाई गई है इसी संदर्भ में कि जो आगरा कॉलेज में धरना चल रहा है उसके संदर्भ में आगे क्या क्या रणनीति बनाई जानी है, अन्य महाविद्यालयों को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। धरने को लगातार पूरे प्रदेश के शिक्षकों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है और इसमें अन्य शिक्षकों ने, सभी ने यहाँ पर आने की इच्छा जाहिर की है। अन्य महाविद्यालयों को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा इसका निर्णय जो स्टाफ क्लब वह लेगा, समय आने पर जब जब आवश्यकता होगी लोगों को इसमें आंदोलन में जोड़ा जाएगा। मुद्दा कैसा भी हो पर इस भीषण गर्मी में शिक्षक धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, पंखे की गर्म हवा में वो बैठे हुए हैं, ये बड़ा ही चिंता विषय का बात है। उन्होंने काफ़ी योगेंद्र उपाध्याय से भी इस विषय पर बात की, कुलपति जो विश्वविद्यालय के उनसे भी बातचीत की, प्रशासन तो लगातार संपर्क में है पर कोई इसका समाधान नज़र नहीं आ रहा। ओटा ने बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा आगे की रूपरेखा क्या होगी और किस आगे दिशा में काम किया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़, आगरा।